अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सैटरडे, आज सैटरडे 9th मार्च 2024। सुबह उठ के अभी तक मैंने कुछ भी नहीं, मतलब मुँह शू धो लिया, मैंने टूथब्रश कर लिया है, बट तैयार नहीं हुई क्योंकि मैं बना रही हूँ चिकन और आलू। अभी इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है भूनने के बाद, और ये भी चिकन बॉयल हो रही है, ये मैंने रायता बना लिया है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे ब्लॉग्स जो है वो छोटे होते हैं, मुझे पसंद हैं, वो आप पसंद कर रहे हैं, थैंक यू वंस अगेन। और ये कि दो तीन लोगों ने कहा कि मेरा किचन मेसी है, बिल्कुल है, मुझे सब कुछ सामने मैंने रखा हुआ है, ये देखें जो भी चीज़ें मेरी सामने पड़ी हुई हैं, वट एवर, चमचे, फिर आ जाते हैं इधर मसाले, ये देख लें, ये चीज़ें मुझे सारी मेरी सामने पड़ी हुई हैं। उसकी वजह ये चमचे, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, मुझे बिल्कुल, मेरे पास टाइम नहीं होता अलमारियाँ खोल खोल के, अलमारियाँ भी भरी हुई हैं बाय द वे, तो अलमारियाँ खोल खोल के बीच में से। और ये कि इस सीज़न में मैंने इसलिए भी बाहर निकाल ली हैं चीज़ें, स्पेशली मसाले और चीज़ें और जो भी आपके खाने पीने की ड्राई चीज़ें होती हैं, उसकी वजह कि अलमारियों में कॉकरोचेज होते हैं, और कहीं ना कहीं से इस सख्त गर्मी में चाहे कितनी भी आप कोशिश करें वो आ जाते हैं। और मेरे बर्तन भी मैंने बाहर रखे हुए हैं बिकॉज बहुत कन्वीनियंट होता है। और सुने, घर तो इंसान की अपनी एक प्राइवेट जगह होती है ना, वो अलहदा बात है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो आपको दिख रहा है, तो अपनी कन्वीनियंस, मुझे सामने चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं ताकि मैं कोई भी चीज़ बनाना चाहूँ तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो। लोग अलमारियों में डाल देते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों के अपने चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। मेसी और गंदे होने में फ़र्क है, मेरा मेसी है, बट अगर आप आके अभी इन पर्सन भी देखें ना, हर चीज़ चमकती हुई साफ है। सो हर एक अपना चॉइस होता है, आप लोग ब्लॉग देखें, बाकी अपनी अपनी खैर मनाएं। ये जो जेलस लोग हैं ना, वो आके इस तरह की बातें कर रहे हैं, बट उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको दिखा दूँ कि अब ये जो बॉयल होगा तो आपको दिखाऊंगी, चिकन भी बॉयल हो रही है और ये रायता बन चुका है। रायता मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ओहो, अस्सलाम वालेकुम, टू गुड है भाई, टू गुड। अब इधर आ जाते हैं, ये मेरी फेमस प्यारी सी बेल है, बाकी ये मेरी पिक्चर्स है। ये मैं जब एथेंस गई थी, और ये मेरी पोर्ट्रेट है, ये भी सलमान खान के साथ भी है, फैसल रहमान के साथ भी है, ये मैं हूँ। और इधर आ जाते हैं, ये मेरा लिविंग रूम है, इधर मैं ज़्यादातर टाइम अपना जो है ना वो गुजरता है, टीवी चल रहा है। ये मेरी सारे सुवनियर्स हैं, ये एक मेरी बड़ी अच्छी गेस्ट आई थी, इन्होंने मुझे पोर्ट्रेट दिया, बाकी ये मुझे बहुत शौक है, बाकी ये देख लें, मुझे इसका बहुत शौक है, जो ये फ्रिज मैग्नेट्स है, ये देख लें ये, और ये मेरी एक और वॉल ऑफ, ये देख लें, ये लेडी डायना मेरी बड़ी फेवरेट थी, ये मैंने बेल जो है वो म्यूनिक से खरीदी थी, फेमस दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये मम्मी हैं, और ये मैं हूँ, और ये मैं हूँ। सॉरी, मैं फैमिली मेम्बर्स को नहीं बीच में लाती बिकॉज आई एम लिटिल प्राइवेट दैट वे। बाकी ये जो देखिए कितना अच्छा है, इन दिस होम वी आर रियल, वी से सॉरी, वी गिव हग्स एंड वी डू लव। और इधर आता है, स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह, appreciate with subhanallah, hope with inshallah, and life will be blessed by allah। ye bhi meri ek friend hai, usne mujhe khataati jo hai calligraphy di hai, paint ye bhi diya usne mujhe gift, aur ye bhi, ye main leke aayi hu, itne maze ke hai na ki main aapko kya batau, theek hai na? to ab baki ka video baad mein। ओके गाइस, आलू चिकन की सूरत हाल, वाह वाह वाह, सॉरी, भाप्स लग रही है, भाप्स, एक सेकेंड, अब इसको आपने हल्के हाथ से करना होता है, सफ़ेद चावलों के साथ परफेक्ट, ये देखें ये कलर है इसका, ये होना चाहिए कलर, और इसका शोरबा जो है ना वो थोड़ा पतला होना चाहिए ऐसे, तो मज़ा आता है। अभी बस इसमें हरा धनिया डल जाएगा, हरा धनिए के बाद ये जो है राइस कुकर में चावल भी बन चुके हैं, इसमें देसी घी डाला है और साथ में
ज़ीरा। अब ये मैं साफ़ कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। मौली की चिकन भी बन रही है और अब हम ये मज़े लेके खाएंगे, ला ला ला। और ये आटा है, अभी इसकी रोटियाँ बन गई और रायता भी बन गया। और ये मेरे चिया सीड्स हैं, ये अभी फूल रहे हैं आस्ता आस्ता, ठीक है ना। चिया सीड्स आर वेरी गुड फॉर द हेल्थ, तो ज़रूर तुखमे वालंगा इज़ डिफरेंट और चिया सीड्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। मैंने अभी केक रस भी खाए हैं, ये देखें एवरीवन, ये देख लें आप, आलू मुर्गी शोरबे के साथ, ये रायता प्लेट्स और बस ये देखें। ओके, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन गाइस। वीलॉग तो कब से शुरू हुआ हुआ है, लेकिन वंस अगेन बाहर जाते हैं से पहले आप सबको खुश आमदीद। अगर अभी आपने मेरे जो YouTube का चैनल है उसको नहीं सब्सक्राइब किया तो फ़ौरन कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, कमेंट्स भी किया करें ताकि मैं पढ़ती भी हूँ और ख़ुद से जवाब भी देती हूँ, लाइक भी करती हूँ आप लोगों के कॉमेंट्स। और साथ साथ आप लोग कैसे हैं, ख़ुद क्या करते हैं, अपनी भी बताया करें, मेरी तो आप सुनते रहते हैं तो अपना भी बताएं कि लाइफ में क्या हो रहा है। सो अभी मैं निकली हूँ, अभी मैंने जो अपने आज मेरे वर्कर्स हैं, सैटरडे है यानी वीकेंड है, तो उनके लिए मैंने ज़बरदस्त यमी सी चटपटी सी चिकन बिरयानी लेनी है। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं वो जो डॉग्स हैं उनका गोश्त लेना है और फिर उसके बाद रवा दवा। ये देख लें कितना सेलिब्रेशन का मोड है इस वक्त, और ये इतने प्यारे बलून्स और फ्लावर वाले यहाँ पे हैं, ये देखें आप ज़रा कितने प्यारे, वाह ये देखें, ओहो हो सेलिब्रेट, कितने प्यारे प्यारे हैं। तो रमज़ान मुबारक की आमद आमद है आप सबको इन एडवांस, अल्लाह ताला आप सब की जो भी आप लोग न्याज नज़र देंगे लोगों के लिए, अफ्तारियों का बंदोबस्त करेंगे, साथ में सहरी का बंदोबस्त करेंगे, उसका अल्लाह ताला अजर दे आपको एंड इंशाल्लाह रास्ते में रहेंगे। अभी रास्ते में बताती हूँ क्या होता है, छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक, तरा आज डे टाइम है ना तो ज़रा सा केयरफुल रहना पड़ता है। अब मैं आधे रास्ते पे पहुँच गई हूँ, जो डॉग्स है उनका सामान भी ले लिया है, लड़कों के लिए ज़बरदस्त चटपटी चिकन बिरयानी भी ले ली है, उनके लिए ऑरेंजेस भी ले लिए हैं, और मौली भी पीछे बैठी है और इतनी सारी चीज़ें। आई एम सॉरी, मेरी गाड़ी जो है वो लोडर गाड़ी ज़्यादा और इंसानों के लिए गाड़ी कम लगती है, बट दैट्स हाउ इट इज़। मेरी प्रायोरिटीज़ जो है ना, हर एक इंसान की कुछ प्रायोरिटीज़ होती है ना, तो आजकल मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं। अगर आप पहली तीन चीज़ें लाइफ में प्रायोरिटाइज कर लेना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है। सो अब मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ, अभी आपको सबसे मिलाती हूँ। ओके गाइस, आई एम हियर एंड द डॉग्स आर हियर एज वेल, आ जाओ कम, किधर गए आज, जल्दी आ जाओ ना। तो ये देखे ये सारी पलटन बैठी हुई है, इधर आ जाओ भाई कम। सो दे विल बी हियर सून, ये देखें गाड़ी ना हुई, ये देखे जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखें गोश्त ही गोश्त और लड़कों के लिए, आ जाओ ये देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये नौ, और किधर गए, एक वहाँ पे बैठा हुआ है दस, वो मेरा डॉग शेल्टर है बॉक्स, आ जाओ तुम तो बड़े हो गए हो भाई, यू गाइस आर रियली ग्रोन अप। ये बैठ गई है भाई, वेटिंग फॉर द फूड, यू गाइस वेटिंग फॉर द फूड, ओ वाओ। और ये बेचारा, ये कितना पाला बच्चा है, और ये जो है इधर आओ कम है, यू सो क्यूट, इधर आओ भागी। खेल खिलाड़ियों का एक पीछे बैठा हुआ,
आ जाओ। ये छोटे भाई, ये जो ब्लैकी है ना, ये इसके बच्चे हैं, ये दो, बाकी दो भी हैं वो छुपे हुए हैं कहीं। खेल खिलाड़ियों का खाने का टाइम हो गया, खेल खिलाड़ियों का। आई एम सॉरी गाइस, मेरे पास वो स्टिक शिक मेरे पास वो नहीं, मैं कर सकती बिकॉज ऑफ द फैक्ट के यू नो इट्स लॉट ऑफ पेन एंड एंग्जाइटी। ये देखें ऐसे करते, कितने प्यारे बच्चे वेट कर रहे हैं खाने का, लाइन में लग जाओ भाई। ओके गाइस, आई एम हियर एट माय फेवरेट इवनिंग स्पॉट। जब भी मैं इवनिंग में आती हूँ तो मैं दरबार मदीना होटल हाजी साहब का है, और इधर मैं चाय पीती हूँ। साले हाजी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? आज चिकन बन रही है भाई। कैसे हैं जमील? ये हाजी साहब के छोटे भाई हैं जमील, और ये दूध खालिस दही खालिस दही जो है, और अब्बासी साहब यहाँ के कुक है, सबसे ज़बरदस्त खाना बनाते हैं, ऑफिसर कुक, ऑफिसर कुक है। और ये यहाँ पे हेयर ड्रेसर है, इनकी हेयर ड्रेसिंग की शॉप इधर है, हेयर ड्रेसिंग सैलून है आपका। कैसे हैं आप? ठीक हैं। और ये कौन है भाई? हैं सज्जाद है, ये यहाँ पे ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर समझते हैं आप। भाई साहब ने चाय पी ली है, भाई साहब चाय नहीं, गर्मी लग रही है, अब गर्मी लग रही है बहुत। तो ये आज क्या पक रहा है? आज चिकन कढ़ाई पक रही है। इसमें क्या है? इसमें है सब्जी आलू गोभी, और इसमें है कलेजी, और इसमें वो खाली है, वो दो खाली, ये दाल माज, और ये दाल माज आगे दिखाएं, दाल ये आज सबसे हिट आइटम रहा है। अभी जो है चिकन कढ़ाई बन रही है, वाह भाई वाह, जबरदस्त। आपको बाहर का माहौल भी दिखा दूँ, ये सारी दुकानें हाजी साहब की हैं। हाजी साहब का मूड होता है तो खोलते हैं, मूड होता है तो नहीं खोलते। गाइस, हाजी साहब के छोटे भाई ये भी हैं, कैसे हैं आप? आपका क्या नाम है? रशीद नाम है। रशीद साहब आप सुनाएं, आप जमील से बड़े हैं? जी जमील से बड़ा हूँ, हाजी साहब से छोटा हूँ, जमील से बड़ा हूँ। ये दरमियाने हैं माशाल्लाह, तीन भाई हैं, चार भाई पांच माशाल्लाह। और ठीक है, फर्स्ट क्लास बड़ा प्यारी शॉल ली हुई है आपने, जबरदस्त जबरदस्त, सज्जाद फिरता रहता है सारा दिन। अच्छा भाई साहब, ये गाइस मीट जोई, ये वही डॉग है जो अगस्त के अंदर एक रेस्क्यू किया था मैंने, उसकी हालत बहुत पतली थी बिफोर एंड आफ्टर, ये आफ्टर है। वाओ भाई, ये तो ब्यूटी क्वीन बन चुकी है, यू आर अ सॉलिड डेंगो जेंगो। बैठ जाओ सेट, ये देखें इसका फर कितना प्यारा है, ये देखें अब लेट जाओ, ये लेटे में लेटी पोजिशन, ये देखें अब इसकी बिफोर की तस्वीर आप देखना कैसी है, शी इज़ माशाल्लाह डूइंग वेल। ओके गाइस, वी आर हेयर नाउ, आई एम हेयर एट बॉक्स, और ये देख लें ये फिर रही है अभी, इसको हमने बड़ा, मैं जो यहाँ पे साथी वर्कर्स हैं उन्होंने बड़ी इसकी केयर की, और दोनों यहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं। ठरा मीट, ये आपके जो सीधे आता है इस पे खड़े हैं अजमल, और उनके लेफ्ट साइड पे है उमर। क्या हाल है अजमल आपके? ठीक ठाक हैं, रमज़ान आ रहा है, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक। उमर थैंक यू, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, आने वाला है, खैर मुबारक, थैंक यू। और ये शर्माते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। और साथ में न्यू एडिशन है अली, मुबारक हो आपको, आने वाला है रमज़ान। अजीन वो कहते हैं कि टीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ये मेरे टीम मेंबर्स हैं और डॉग्स का लुक आफ्टर कर रहे हैं, रोज़ तो मैं आती हूँ और मैं भी कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, लेकिन इनका और एक हमारे जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मज़े की बातें करते हैं वो है मसूद, वो इस वक्त कश्मीर गए हैं, वो आएंगे तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊँगी। तो कहते हैं अकेले तो आप ठीक है कोशिश करते हैं, लेकिन टीम के बगैर, आपके जो साथ में साथी होते हैं उनके बगैर कुछ करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये कि उनके होने से बहुत एक सपोर्ट होती है। सो आई थैंक यू ऑल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। ये न्यू एंट्री, न्यू किड ऑन द ब्लॉक है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीख जाएंगे। सो आपके पास भी किसी जो आपके साथ वर्कर्स काम करते हैं, जो आपकी टीम है,
उनको इनकरेज भी किया करें और जो है हर वक्त जो है चींची ना किया करें, चींची भी बुरी होती है। अब दिखा दे ये खा ठूस के ये लोग आराम से फिर रहे हैं, ये देखे रिलैक्सेशन मोड है सुगत चल रहा, ये देख लें एक ये वाह भाई वाह, ये लकी जो है लकी और इसकी दोस्ती है ये मीट लूसी, ये देखे सारे खाने पीने के बाद जिस तरह इंसान जो है रिलैक्स कर जाते हैं इसी तरीके से ये लोग भी भाई वेरी गुड। बटन आंखें तुम क्या कर रहे हो, चुप करो चुप करो। सो गाइस दिस इज माय एवरीडे रूटीन के मेरा इधर आना होता है, एक बल्ब फ्यूज हुआ हुआ है ये देख लो, अभी हम कुछ सेटिंग जो है रमजान के वाले से भी कर लेंगे। ये लकी ये वो डॉग है जो जिसका सर जो है वो डैमेज हो गया था, किसी ने इसको बहुत पूरे तरीके से वो किया था, फिर मैं इसको क्लिनिक ले गई थी और ऑफ कोर्स नाउ ही इज डूइंग वेल, और ये जोई के साथ इसकी दोस्ती हो गई है तो ये कपल बने हुए हैं फिलहाल। यू आर द कपल कपल।